किसी चीज को लेकर जब दो व्यक्ति आपस में भिड़ते हैं तो बड़ा युद्ध हो ही जाता है, संग्राम बहुत बड़ी पैमाने पर छिड़ जाती है। और यदि बात हो समाज से बुराई हटाने की तो इसको लेकर के बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसने ये जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। दो दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको जिसमें खेसारी लाल यादव ने लाइव के माध्यम से किस तरह से महाराजगंज के बहुचर्चित सुधीर सिंह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उन पर हमला करवाया है और हत्या करने की साजिश कर रहे हैं सुधीर सिंह। ऐसा आरोप लगाया था खेसारी लाल यादव ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, वो खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन धीरे धीरे जब सत्यता सामने आने लगी तब जाकर हमने भी ये समझा कि न्यूज़ बिहार के जितने दर्शक हैं, भारत लाइव टीवी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन तक सत्य खबर पहुंचनी चाहिए, वो खबर पहुंचनी चाहिए जिसमें सत्यता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने दूसरे पक्ष यानी कि सुधीर सिंह से बात करनी चाहिए। साथ साथ बात करते हुए कुछ ऐसे तथ्य भी हाथ लगे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि ये चुनावी रंजिश है। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जो उनका मंच है, कला का मंच है, उसे छोड़कर लगता है अब राजनीतिक मंच पर आने लगे हैं और साथ साथ कुछ लोगों का समर्थन भी उन्हें हासिल होने लगा है। यही वो कारण है क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो दूसरों से ली जाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। शायद चिंता हो गई होगी उन्हें किसी चीज को लेकर या सामने वाले कॉम्पिटिटर को देखकर कि कहीं उनकी जो स्थिति है वो डमाडोल ना हो जाए, चुनाव में आना चाहते हैं खेसारी लाल यादव, इसके कारण ही शायद उन्होंने आरोप लगाए थे सुधीर सिंह पर। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने खास बातचीत की है सुधीर सिंह से। सुनिएगा इस बातचीत में कितना कुछ खुलासा किया उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर। दो दिन पहले भी वीडियो रिलीज किया था हमने, लेकिन अब थाने से भी पुष्टि हो गई है, खबरें भी छपने लगी हैं। तो सुनिए इस खास बातचीत में सुधीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, अखबारों के माध्यम से भी ये खबर छपी है और थाना प्रशासन इसको लेकर के क्या कहता है। सर, जैसा कि खेसारी ने लाइव के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा है कि सुधीर जो है वो मेरी जान के दुश्मन है और मुझे मरवाना चाहते हैं। देखिए, आज के न्यूज़पेपर जो आप पढ़े हैं जी, न्यूज़पेपर में वैशाली पुलिस कह रही है जी कि आपको टिकट को लेकर वहाँ पर खरीद बिक्री को लेकर वहाँ पर बवाल हुआ जी। अब खेसारी का काम ही है आरोप लगाना जी। तो खेसारी अब खेसारी के सपने में भी अब हम आने लगे हैं जी। तो जो मन कर रहा है लाइव आकर बार बार जातिवाद का काम कर रहे हैं जी। बार बार कह रहे हैं कि मैं जादव का लड़का हूँ, मैं जादव का लड़का हूँ। और मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि यार हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में है, तो मेरे भाई हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्यों मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हो जी। जी, तो और जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उस पे आपका ही हक है, आप ही लड़े, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब इमोशनल अटैक क्या किया जा रहा है? चुनाव जो है भारतीय लोकतंत्र है जी, की इच्छा करे वो लड़े जी। अगर राजद मेरे छोटे भाई को प्रत्याशी बनाती है जी, तो हम लोग तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग तो चुनाव में घूम रहे हैं जी, हम लोग तो चुनाव में लगे हुए हैं। तो दो चार पांच महीने लग गया है चुनाव का, और मुझे कहीं लग रहा है कि अब कोई बड़ा राजनेता महाराजगंज से चुनाव लड़ने को इच्छुक हो, वो खेसारी को युद्ध कर रहा है, खेसारी से जितना भी स्टेटमेंट है वही कहलवा रहा है जी। चलिए तो ठीक है सर, आपकी इन बातों को हम खबर के माध्यम से चलाएंगे और आपका विचार हमारा सबसे पहला था कि आपकी बातों को रखें हम जनता के बीच, क्योंकि आरोप जब लगा है तो उसमें प्रत्यारोप के लिए आपके पास न्यूज बिहार को पहुंचना बहुत ही जरूरी था। अरे आरोप देखिए, मेरे आरोप को खारिज कर चुकी है बिहार पुलिस जी। खेसारी लाल यादव के आरोप को खारिज कर चुकी है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने कहा है कि टिकट को बंटवारे को लेकर मारपीट झगड़ा हुआ था जी। जी, खेसारी लाल यादव ने जो आरोप लगाया है मुझ पर बिहार पुलिस खारिज कर चुकी है। आप लोग उसको पहले ध्यान से वहाँ वैशाली के लोगों से आप पता कर ले जी। जी, हमारी जरूर हम सर्वे भी करवा लेंगे वैशाली में। और न्यूज बिहार पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।